नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एम्स जोधपुर के द्वारा निकली हुई एक अन्य वैकेंसी की। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल है वो मिस ना हो। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो यहां पर देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये विज्ञापन नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में निम्नलिखित पदों हेतु प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है, देख सकते हैं। पहले बात करें चिकित्सा अधीक्षक समूह ए के, और पे लेवल है 14 के अनुसार 1,44,200 लेकर 2,18,201 पद है यहाँ पर। मुख्य नर्सिंग अधिकारी की बात करें तो लेवल 12 के अनुसार पेमेंट मिलेगी 78,800 से 2,09,200 रुपये आपको मिलने वाली है, 9,200 रुपये आपको मिलेगी, एक पोस्ट है। नर्सिंग अधीक्षक की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट हैं। उप नर्सिंग अधीक्षक की बात करें तो टोटल 16 पोस्ट हैं और पदों की संख्या अंतिम है और संस्थान की अपेक्षा के आधार पर परिवर्तन की भी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पदों हेतु प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष तक होगी। प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक जो अवधि है वो 3 वर्ष होगी, यानी ये जो एक प्रकार से मान के चले तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है और इसमें टोटल 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है, लेकिन आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, चांसेस होते हैं कि आगे इसको निश्चित रूप से बढ़ाया ही जाएगा। पात्रता पूरा करने वाले अधिकारी अपना आवेदन उचित माध्यम से उप निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर राजस्थान के पास स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड एसटीडी द्वारा जमा कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30/6/2023 होगी। विस्तृत जो विज्ञापन है और ऑनलाइन प्रपत्र ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कल से उपलब्ध हो जाएगा, यानी उपलब्ध है, यहाँ पर देख सकते हैं उपलब्ध है, यानी ये उपलब्ध हो गया है, नहीं हुआ है तो कल से ये उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ से पूरी डिटेल है वो देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरी ये इसकी ऑफिशियल साइट, इस ऑफिशियल साइट से इसकी पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एम्स के अंदर ये निकली हुई वैकेंसी है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जो एलिजिबल है। और अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपने ये देख ली इसकी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।